नमस्ते मुखिया जी। नमस्ते डॉक्टर साहब। आशा दीदी, आप लोग यहाँ? मुखिया जी, फाइलेरिया को तो आप जानते ही हैं, ये एक गंभीर बीमारी है, हम उसी पे चर्चा करने आए हैं। फाइलेरिया के खिलाफ सिर्फ दवा ही नहीं, जनता में जागरूकता का होना भी जरूरी है। इस लड़ाई में सबका सहयोग चाहिए। फाइलेरिया की रोकथाम में ग्राम पंचायत यानी आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधान जी, हमें आपकी और पूरे पंचायत की मदद चाहिए, इस गांव को फाइलेरिया मुक्त जो बनाना है। जरूर जरूर, डीएम साहब का पत्र भी मिला था इस बारे में। बताइए, किस तरह से हम आपकी सहायता कर सकते हैं? लोगों में फाइलेरिया को लेकर जानकारी की कमी है, कई सारी गलत फहमियाँ भी हैं, इनको दूर करने में आप लोगों की मदद चाहिए। जल्द ही गांव में MDA अभियान के दौरान फाइलेरिया से बचाव की दवा घर घर खिलाई जाएगी। जैसा कि आपको पता है, ये दवा सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। आप कृपया इसकी सूचना पंचायत की खुली बैठक में और गांव में लाउडस्पीकर द्वारा और डुगडुगी बजवा के करवा दीजिए। आप लोग गांव में रहने वालों को हर साल फाइलेरिया से बचाव की दवा लेने का महत्व समझाएं, जिससे आशा दीदी या और कोई स्वास्थ्य कर्मी जब फाइलेरिया से बचाव की दवा लेकर उनके घर जाए तो वो उनको अपना सहयोग दे। बिल्कुल, हम तो तैयार हैं इस अभियान में मदद करने के लिए। आप तो गांव के मुखिया हैं, लोग आपको देखकर भी सीखेंगे। सारे पंचायत सदस्यों और उनके परिवार को सबसे पहले ये दवा लेनी चाहिए। फाइलेरिया से बचाव की दवा आशा और स्वास्थ्य कर्मियों के सामने लेकर अभियान का उद्घाटन करें। लोग आपको अभियान की शुरुआत में दवा खाते हुए देखकर प्रेरित होंगे और खुद भी दवा खाएंगे। मैं समझ गया डॉक्टर साहब, हम वादा करते हैं कि इस MDA अभियान के बारे में खुली बैठक में चर्चा करेंगे, अभियान की तारीख की सूचना लोगों को लाउडस्पीकर और डुगडुगी के माध्यम से देंगे और अभियान की शुरुआत हम खुद सबसे पहले दवा खाकर करेंगे। इससे हमारा भी भला होगा और गांव के लोगों का भी भला होगा। इसके बावजूद भी अगर किसी के मन में कोई भी दुविधा या शंका रहे तो समझाने में मदद करें। अगर आप उनसे बात करेंगे, उन्हें समझाएंगे, तो वो ना नहीं करेंगे। जी हाँ, कृपया सुनिश्चित करें कि गांव के सभी लोग फाइलेरिया से बचाव की दवा लें। जी हाँ डॉक्टर साहब, फाइलेरिया से बचाव की दवा लेने का प्रोग्राम बढ़िया चल रहा है।